ट्रीट करते कि हमने आपका वक्त जाया नहीं किया युवराज। ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमारी तारा, आपने कुलदेवी के मंदिर जाने की इच्छा जाहिर की और वो मंदिर आपको दिखाना आप हमारा सौभाग्य है। आई। वीरेंद्र इसके साथ इस वक्त कहाँ जा रहा है? तारा का है, यहां कैसे आया? आदित्य कहाँ जा रहा है? इतना घबराया क्यों? कैसी भयानक जगह है? जयादित्य यहाँ क्यों आया है? आप यहाँ क्या कर रही? हाँ हम अब समझ आए कि नौगढ़ में दहशत किसकी वजह से फैली हुई है। नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये सच है कि हमारा इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया गया, लेकिन ये भी सच है कि हम जिसका साथ दे रहे हैं तारा उसके कब्जे में। आपको नहीं पता लेकिन महाराज कित सिंह भी हमारी तरह मजबूर है। क्या कह रहे हैं आप जिसका साथ दे रहे हैं वो कौन है और कहां? ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी मुलाकात उनसे इसी स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन आज पता नहीं वो कहां गायब हो गया। क्या हो रहा है? ये कोई माया है या? तारा,
तारा तुम की तो जय आदित्य। आप कुलदेवी के मंदिर में पहले भी आए हैं? हाँ, चंद्रकांता के साथ एक बार पहले आया हूँ। इस मंदिर में क्या हुआ राजकुमारी तारा? आप वहां क्यों रुक गई? राजकुमारी, यहाँ रात हो रही है, इस जंगल में काफी भयानक और जहरीले जानवर हैं। हमें चलना होगा, आइए। उनका शिकार तो तुम तब बनोगे जब तुम मुझसे बचोगे। युवराज, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सफर भी लंबा है, कुछ खा लीजिए। देखिए ना, मैंने आपके लिए मीठी पूरी बनाई है, आपको पसंद आएगी। राजकुमारी तारा, वैसे तो मैं लंबे सफर में कुछ खाता नहीं हूँ, पर आपने इतने प्यार से मीठी पूरियां बनाई हैं तो खा लेता हूँ। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी और स्वादिष्ट लगेगा। बहुत तैयारी करके आई हैं आप राजकुमारी तारा, पर एक मीठी पूरी से मेरा कुछ होगा नहीं। और है ना, अब हमें चलना चाहिए। आपको पता है युवराज, आप जैसे योद्धा किसी की जिंदगी में आ जाए ना, उसे अपने ऊपर गुरूर होगा। मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? शुक्र है तारा ठीक है। जय आदित्य, तुम फौरन इसे लेकर नौगढ़ चले जाओ और सबको ये सच बता दो कि गिद्ध सिंह के साथ जो आई है वो असली तारा नहीं है। क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे राजकुमारी? नहीं, हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। वीरेंद्र की जान खतरे में है और इससे पहले कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। कहां जा रही है राजकुमारी? बेहोश नहीं हुए? हमें होश में देखकर आपके अपने होश क्यों उड़ गए? पर एक बात कहें, हमें शातिर खिलाड़ी पसंद है, वो खिलाड़ी जो अपना खेल बखूबी तरीके से खेले, शानदार तरीके से। पर आप तो कच्ची खिलाड़ी निकली। आपकी पहचान हमें बहुत पहले ही हो चुकी थी, आपके बारे में जानना हमारे लिए चुटकियों का खेल था।
आपकी सच्चाई राजकुमारी हमें काफी पहले से पता थी। खुदा बख्श से लेकर तेज सिंह तक आपने सबकी जान लेनी चाहिए, पर एक बात हमें समझ नहीं आती कि आपने हमें सिर्फ बेहोश करने का क्यों सोचा, हमें अपना शिकार क्यों नहीं बनाया। अब यूं नीचे देखने से क्या होगा राजकुमारी, आपका सच बाहर आ चुका है तो क्यों ना बात खुल के हो जाए राजकुमारी। हमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, इसके पीछे एक कहानी है। माया बड़ी ठगनी रे, नित नित बदले भेस, प्रेम में ऐसी बावरी हुई ना घर की रही ना परदेश। आप मुझे विवश नहीं कर सकते, हमारे पति के आदेश का पालन करना यही हमारा परम कर्तव्य है और हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हमने आदेश का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा आपसे, हम जानते हैं वो आपका पति है और पति की आज्ञा का पालन करना एक पत्नी का परम धर्म होता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना आपके लिए कठिन होगा। कठिन नहीं, असंभव है। स्त्री हट, एक पते की बात बताता हूं आपको, शिवदत्त अभी बच्चा है, डरता हूं कि दूसरों का घर जलाते जलाते कहीं खुद का हाथ ना जला ले। हमारे जीवित रहते हमारे पति को आज भी नहीं आ सकता। जबान नहीं लड़ाई लड़की, सांच को आंच नहीं, दुश्मनों के हाथों मरते मरते बचा है। एक वादा करता हूं आपको, अगर वीरेंद्र को जिंदा पकड़ के आप बंदी बना के हमारे सामने लाएं तो ये वचन देता हूं कि इस जन्म में शिवदत्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने आपको जान से नहीं मारा, परंतु एक बात बताओ, तुम्हें जब सब सच पता था तो तुमने हमें बंदी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम अपने पिता के कातिल का नाम जानना चाहते थे। हमने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है, चंद्रकांता ने मारा है। झूठ बोल रही हैं आप। चंद्रकांता के हाथों की हत्या जरूर हुई, मगर चंद्रकांता ने उनका खून नहीं किया, उनका खून आपने किया है। आपने जान ली है मेरे पिताजी की। हमने नहीं किया। थी वो तारा नहीं है। हम जानते हैं चंद्रकांता, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम भी आ गए, दोनों साथ जी नहीं सकते तो क्या साथ मर तो सकते।
चंद्रकांता, तुम इसका सामना इस तरह नहीं कर सकती। और ये हम पर हमला कर क्यों रही है? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी ये तलवार मुझे मार सकती है? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वीरेंद्र से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये मेरा सुहाग छीनकर मेरे पति को मारने की मंशा रखता है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने पति पर आंच भी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति को जिंदा रखने के लिए इसे तो मरना होगा। तुम्हारा पति है कौन? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन शिवदत्त का नाम तो सुना होगा ना तुमने? वो है हमारे पति। शिवदत्त तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? उसका विवाह तो हुआ ही नहीं। हमारा गंधर्व विवाह हुआ है और हमारा रिश्ता गुप्त है। और आज वीरेंद्र का शव मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। खबरदार श्यामला, वीरेंद्र तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। और उससे पहले एक सच जान लो, जिस शिवदत्त का तुम साथ दे रही हो वो एक नीच दुष्ट अधर्मी इंसान है, जो वासना और अहंकार में अंधा होकर हमें जबरदस्ती अपना बनाना चाहता था। और वीरेंद्र ने हमारी रक्षा की। चंद्रकांता, झूठ बोल रही हो तुम। शिवदत्त ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे होते हुए किसी पराई औरत पे नजर भी नहीं डालेंगे। झूठ का पर्दा तो तुम्हारी आंखों में पड़ा है श्यामला, जो सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पा रही। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं जो मेरे पति पे लांछन लगा रही है? हो सकता है मौत के भय से तुम मुझे ये सब बोल रही हो। एक पतिव्रता स्त्री हूं मैं, और मेरे धर्म का पालन करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अगर तुम पतिव्रता हो तो हमने भी वीरेंद्र से सच्चा प्रेम किया है, और हम तुम्हें या किसी को इस प्रेम के बीच नहीं आने देंगे।